आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बतौर राष्ट्रपति आखिरी दिन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई को देश के प्रथम नागरिक से पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके साथ ही रायसीना हिल स्थित 320 एकड़ में विस्तृत 340 कमरों वाला भव्य राष्ट्रपति भवन उनका पूर्व पता होगा। साथ ही लुटियन दिल्ली में राजाजी मार्ग स्थित 8 बेडरूम वाला 10 नंबर बंगला प्रणब दा का स्थायी पता बन जाएगा। राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम के तहत पूर्व राष्ट्रपति को उनकी मर्जी से देश में कहीं भी प्रथम श्रेणी की आजीवन आवासीय सुविधा सरकार की तरफ से निशुल्क मुहैया कराई जाती है। इसके तहत मुखर्जी को उनकी पसंद से राजाजी मार्ग स्थित 11,776 वर्ग फुट क्षेत्र में बना 10 नंबर बंगला आवंटित किया गया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी यही बंगला आवंटित किया गया था। कलाम इसमें साल 2015 में निधन होने तक रहे थे। टाइप 8 श्रेणी का ये बंगला लुटियन दिल्ली का पहला बंगला होगा जिसमें मुखर्जी के विशेष अनुरोध पर लिफ्ट लगाई गई है। प्रणब मुखर्जी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बंगले में 2 हॉल को अतिथि कक्ष के तौर पर तैयार किया गया है, जबकि किताबों से प्रणब दा के विशेष लगाव को देखते हुए 1 कमरे को पुस्तकालय में तब्दील किया जा चुका है। द बेटी की नृत्य संगीत साधना की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऊपरी मंजिल का 1 कमरा पारंपरिक संगीत के सुविधाओं से लैस किया गया। मुखर्जी अपनी जीवनी और राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय पर पुस्तक लिखने की मंशा पहले ही जता चुके हैं। इसके मद्देनजर बंगले की दोनों मंजिलों पर एक एक अध्ययन कक्ष का खास इंतजाम किया गया है जिससे उनका पढ़ने लिखने का काम सुचारू चल सके।